लखनऊ में चल रहा डिफेंस एक्सपो आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, यानी आज से आम लोग डिफेंस एक्सपो में एंट्री कर भारतीय सेना के रक्षा उपकरणों और हथियारों के दीदार कर सकेंगे। आज टैंकों और शस्त्रों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ फाइटर जेट से करतब भी दिखाए जाएंगे। लोगों के लिए यूपी सरकार ने लोकल ट्रांसपोर्ट के भी इंतजाम किए हैं ताकि एक्सपो तक पहुंचने में उन्हें दिक्कत ना हो। आज और कल आम लोगों के डिफेंस एक्सपो में एंट्री निःशुल्क होगी। गोमती रिवर फ्रंट एरिया पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:15 से 5:30 तक शाम को नेवी के मरीन कमांडो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पेश करेंगे। लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, वो वक्त जिसका शायद लखनऊ की जनता को या जो लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं जिसका इंतजार था, आज उनका वो इंतजार खत्म होने वाला है। आज लोग करीब से उन तमाम चीजों को देख सकेंगे जिसको अब तक शायद टीवी पर या रिपब्लिक डे परेड पर देखा करते थे। बिल्कुल अनामिका, देखिए आज से आम लोगों के लिए डिफेंस एक्सपो खोल दिया गया है, और चाहे हम वृंदावन योजना की बात करें या फिर गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, एक बड़ी तादाद में लखनऊ के लोग इस डिफेंस एक्सपो में पहुंचने वाले हैं। हालांकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा की गई है, बसें चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि आज भी चूँकि तकरीबन 4 बजे समापन कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें कि राजनाथ सिंह और खुद मुख्यमंत्री योगी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन देखा जाए तो लखनऊ के लोगों के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव है, क्योंकि उन सैन्य उपकरणों को जिसमें तमाम वो टैंक शामिल होंगे जो कि देश की सरहद पर तैनात किए जाते हैं, वो फाइटर प्लेन होंगे और दूसरे सैन्य उपकरण जिन्हें आमतौर पर यहाँ के लोग नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के वो हैरत अंगेज कारनामे जो कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, हालांकि आम लोगों की अभी तक उसमें एंट्री नहीं थी, वृंदावन योजना में चूंकि पास से एंट्री हो रही थी और साथ ही में जो दूसरे डेलीगेट्स आए थे उनकी एंट्री हो रही थी, लेकिन अब चूंकि आज से आम लोग इसमें जा सकेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहा। और कल का दिन अगर हम बात करें तो कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा डिफेंस एक्सपो में, क्योंकि 23 ऐसे एमओयू साइन हुए हैं, ऐसे रक्षा करार हुए हैं जो कि आने वाले समय में अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री के रास्ते खोलेंगे, क्योंकि कल 23 ऐसे रक्षा करार हुए हैं जो कि डिफेंस कॉरिडोर जो बनने वाला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उसके लिए वो रक्षा करार किए जाएंगे। और चूंकि राज्य सरकार बार बार ये बोल रही थी कि इस डिफेंस एक्सपो में आने वाले तमाम डेलीगेट्स, तमाम जो एग्जीबिटर्स हैं, कई ऐसी बड़ी रक्षा कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। हालांकि देखा जाए तो अब तक 170 से ज्यादा रक्षा करार इस डिफेंस एक्सपो में हो चुके हैं, और आज भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ कंपनियों के बीच और हो सकता है कि प्रदेश सरकार के साथ भी कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं वो रक्षा करार करें और आने वाले समय में एक इन्वेस्टमेंट का, डिफेंस इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा रास्ता यहां पर खुलता हुआ दिख रहा है। अनामिका, अविनाश, लगातार ये बात भी कही जा रही थी कि जो डिफेंस एक्सपो है इसमें जो एमओयू होंगे उससे आम जनता को क्या लाभ होगा, यह सवाल उठाया जा रहा था। सीधा सा लाभ यह है कि जो लोग लखनऊ या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अगर ऐसे एमओयूज होते हैं। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर जो बातचीत की गई है उससे लोगों को लाभ होगा, क्या कुछ लाभ होगा इस एमओयू के जरिए, आपसे भी समझना चाहेंगे हम। बिल्कुल, देखिए चूंकि डिफेंस एक्सपो जहां जहां बनना है, जो नोड यहां पर चिन्हित किए गए हैं जिसमें कि अलीगढ़ है, आगरा है, चित्रकूट है, 6 ऐसी जगहें हैं जहां पर डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाना है, और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी रक्षा कंपनियां वहां पर निवेश करेंगी, वहां पर बड़े प्लांट्स बनाए जाएंगे रक्षा उपकरणों के लिए, और चूंकि कल जब ये रक्षा करार हुआ था तब खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि तकरीबन 2.5 लाख ऐसे रोजगार हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के लोगों को मिलने जा रहा है, तो कह सकते हैं कि इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से एक रोजगार का एक बड़ा अवसर भी कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को मिला है। और चूंकि सरकार की ये कोशिश थी कि इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से आने वाले समय में निवेश के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म, वो सारी सुविधाएं तैयार करके दे रहा है, तो इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से जो एक मैसेज देना था राज्य सरकार को, कहीं ना कहीं वो देने में सफल हुई है। और जहां तक रोजगार की बात है तो जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्री जाती है, जब नई फैक्ट्री
फैक्ट्रियां बनती हैं, तो उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो वैसे में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 2.5 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो आने वाले समय में राज्य के लोगों को मिलने जा रही हैं। धन्यवाद अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इससे रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे, और साथ ही साथ आज जब डिफेंस एक्सपो आम लोगों के लिए खुल रहा है तो आम लोग भी उन तमाम उपकरणों को, उन तमाम चीज़ों को करीब से देख सकेंगे जिनको देखने का उन्होंने शायद टीवी पर ही देखा हो, या फिर जैसा पहले हमने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में ही देखा हो, और उन तमाम चीज़ों को करीब से देख सकेंगे। डिफेंस एक्सपो में भारत की सुरक्षा के लिए हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। कौन कौन से हथियार हैं और किन किन चीज़ों की प्रदर्शनी है, इसमें ये देखते हैं। लखनऊ में चल रहे डिफेंस एक्सपो 2020 में भारत की ताकत के साथ ही भविष्य के हथियारों की झलक भी देखने को मिल रही है। डीआरडीओ के सहयोग से तैयार किए गए रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 12.7 mm के मशीन गन संचालित इस स्टेशन को अर्जुन MBT टैंक के लिए डिजाइन किया गया है। बीते कुछ सालों में डीआरडीओ ने कई ऐसे रक्षा उत्पादों को तैयार किया है जो आने वाले दिनों में भारत की सामरिक शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल्ड एक वेपन स्टेशन है जिसको कि अर्जुन MK1 के ऊपर फिट किया जाता है। डिफेंस एक्सपो में 3rd जनरेशन अमोक 3 anti-tank गाइडेड मिसाइल को प्रदर्शित किया गया जिसकी मारक क्षमता 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक है। एक्सपो में हेलेना, अस्त्रा और नाग समेत कई मिसाइलों के मॉडल की प्रदर्शनी डीआरडीओ के स्टॉल पर लगाई गई। यह है अस्त्रा मिसाइल, इसको एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को मारने के लिए यूज किया जाता है। इसका रेंज है 100 किलोमीटर है। इसको पहले अभी सुखोई Mark 1 पे डिप्लॉय किया गया है। रिसेंटली सितंबर में इसका ट्रायल किया गया है, उसमें हमने 6 टारगेट को 6 बार लगातार टारगेट को गिरा चुके हैं। उसके बाद एयरफोर्स ने उसका सेटिस्फाइड होके हमको 200 मिसाइल्स का ऑर्डर दे रही है। पुणे बेस्ड एक कंपनी ने एक भारी भरकम ड्रोन तैयार किया है। ड्रोन को इंडियन आर्मी और BSF के लिए तैयार किया गया है। इस ड्रोन को माल ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इसमें पावर केबल के थ्रू आता है, उस वर्जन में ये ड्रोन 24 घंटे फ्लाई कर सकता है। जैसे एरिया जहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर पे जहाँ पे डिस्प्यूट है, या फिर बॉर्डर एरियाज़ में इसको पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये हवा में रह के कैमरा के पेलोड के यूज़ से इसको हम इंट्रूजन डिटेक्शन कर सकते हैं, इसको हम एक वेपनाइज भी कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपो में कई कंपनियाँ अपने रक्षा उत्पाद पेश कर रही हैं। भारत एक उभरता हुआ देश है, लिहाजा उसकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कंपनियां लगातार नए इनोवेशंस कर रही हैं। अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।